उत्तर प्रदेश के जनपद अंबेडकर नगर के ग्राम भित्रीडीह में कलावती एवं उनके साथ 8 लोग ऐसे हैं जिनको 2 वर्षों से राशन नहीं मिल रहा है। नरेगा में जो काम धंधा करी तो वो ना मिलत सोझे और राशन आने जाए तो वह बदे 4 बात पाई पैसा लावा देव राशन। कोटेदार एक दिन के गए राशन ना देते? एक दिन गए राशन दे हो तब कहे के 4-4 दिन 5-5 दिन 6-6 दिन दौड़ी थे एक दिन मिलबे नहीं करत कहीं खत्म हो गए तो कैसे काव करी। समस्या तमाम आती है वितरण करने में। अब 35 किलो राशन जो है कार्ड धारक देना पड़ता है और गल्ला जो है बोरे में कम रहता है। यहाँ जो है गांव कुछ गरीब आते हैं बिना पैसा लेकर चले जाते हैं। 2-4 लोग हैं जैसे कलावती हो गई, हरिलाल हुए, रामसुख हुए, सब बिना पैसे गल्ला भाई परेशान करते हैं, इधर उधर से देना पड़ता है। लेकिन प्रधान जी आपके गांव के हैं करीब 9 लोग ऐसे हैं जो बोल रहे हैं हमें राशन नहीं मिलता है, जैसे उसमें से कलावती हैं, क्या आप उन्हें जानते हैं? हाँ, कलावती को जानते हैं, राजेंद्र की औनत हैं। ऐसा है कुछ लोगों के पास हमारे गांव में राशन कार्ड नहीं है। फिलहाल हम सोच रहे हैं कि उनको भी राशन कार्ड मिल जाए, 2014 में राशन कार्ड मिल जाएगा, क्योंकि एक सर्वे हुआ था जुलाई महीने में और राशन कार्ड बनना था, लेकिन पता नहीं ब्लॉक से फिर उस सर्वे को रोक दिया गया और सर्वे करके काम वहीं ब्लॉक स्तर पर रोक दिया गया। उसको ब्लॉक से तहसील जाना था, तहसील से फिर जो है ब्लॉक आता और सबका राशन कार्ड बन जाता, लेकिन वो प्रक्रिया वहीं पर रोक दी गई। हम भी सोच रहे हैं जिनके पास नहीं है, गरीब लोग हैं, सबका राशन कार्ड बन जाए, सबको राशन मिलने लगे और सबको दोनों टाइम का भोजन मिलने लगे। मैं चाहती हूं कि सप्लाई इंस्पेक्टर द्वारा भित्रीडीह गांव का औचक निरीक्षण किया जाए ताकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार आए और भुखमरी के शिकार हो रही कलावती उनके साथ सहपात्र 8 लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे भूखे सोने का मजबूर हैं, इसलिए वो कुपोषण से बच पाएँ। मैं अपील करती हूँ कि कोटेदार संजय के मोबाइल नंबर 98384-1185 पर कॉल करके मेरी मदद करें। मैं गायत्री, उत्तर प्रदेश, जनपद अम्बेडकर नगर, इंडिया, अनहट के लिए।